इस बीच बड़ी खबर वो सामने आ रही, दर्शकों को बता दें दरअसल डीडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को इस मामले में डिटेन किया है। एसपी कार्यालय में पूछताछ इस संदिग्ध से पुलिस की टीम कर रही है। संदिग्ध युवक के मोबाइल से हत्यारों ने यहां बातचीत की थी। हत्याकांड में संदिग्ध की भूमिका की जांच हो रही है। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस ने, डीडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है। सहयोगी जहीर इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। जहीर, बताएं कि पूछताछ में क्या बातें सामने आ रही, क्योंकि ये वही संदिग्ध है जिसके मोबाइल फोन से हत्यारों ने बातचीत की थी। जी मनी, मैं आपको बता दूं कि ये डीडवाना के फाटीबास का एक इलाका है जहां ये युवक रहने वाला है। ये युवक जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस युवक के मोबाइल से हत्यारों ने बात की थी, और ये भी जानकारी सामने आई है कि इन हत्यारों ने इसी के युवक के मोबाइल से एक गाड़ी की बुकिंग की थी, और उस गाड़ी की बुकिंग से ही ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक पहुंचे थे, और जहां उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस युवक को डिटेन किया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में पुष्टि नहीं की है कि क्या पूछताछ में सामने आया है या क्या उससे और कोई जानकारी निकल कर सामने आई है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार इस युवक से सघन पूछताछ में जुटी हुई है। युवक क्या बता रहा है पूछताछ में, कोई अंदर से जानकारी सामने आ रही है सूत्र के बता रहे हैं? इसके अलावा गाड़ी की बुकिंग के लिए जो नंबर मिलाया था, जिस ड्राइवर को फोन किया था, क्या उससे बातचीत हो पाई है? क्या लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है? जी बिल्कुल मनी, पुलिस जो है वो लोकेशन भी ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, और जिस गाड़ी के ड्राइवर से पुलिस ने युवक के मोबाइल से बात की थी, उस गाड़ी के ड्राइवर को भी डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पुलिस जो है इस मामले की आगे से आगे कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस मामले का खुलासा कर सके। चलिए, शुक्रिया आपका जहीर तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो संदिग्ध जिसे डिटेन किया गया, इससे पूछताछ पुलिस की टीम लगातार कर रही है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और मेरे सहयोगी मुबारक और कुलदीप गोयल भी लगातार मौजूद हैं, ग्राउंड पर ही उनकी मौजूदगी है। मुबारक, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि एटीएस गठित कर दी गई है, एनआईए की भूमिका भी सामने आ रही है कि एनआईए भी इस मामले की अब जांच करेगी, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाना चाहिए। अब कितना वक्त और लगेगा? देखिए मनी, मैं बताना चाहूंगा, जब परसों ये घटना हुई उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में है, और हर जगह पुलिस इनसे जुड़े जो ठिकाने हैं, चाहे राजस्थान में हो या उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ लगातार पुलिस दबिश दे रही है, इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। तमाम जो इनसे जुड़े लोग थे उनकी कॉल डिटेल्स और इनकी कॉल डिटेल्स, जैसे कि अभी जहीर ने बताया डीडवाना से कि किस तरीके से जो लोग इनके संपर्क में थे उनके कॉल डिटेल्स और उनकी फोन की लोकेशन, तमाम चीजों पर पुलिस की नजर है, और बहुत जल्द हो सकता है कि बहुत जल्द पुलिस इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी भी कर ले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गिरफ्तारी अब तक नहीं, उसका रोष कहीं ना कहीं जब कल परिवार और तमाम जो संगठन के लोग थे वो सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, टायर जलाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी उन लोगों ने की, ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी हम बात कह सकते हैं। लेकिन जब 48 घंटों से ज्यादा जब समय बीत चुका है, अब तक पुलिस के हाथ खाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई। और इस मामले को लेकर देखिए, राज्यपाल खुद जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीजीपी उमेश मिश्रा को उन्होंने तलब कर लिया था, सीएस को उन्होंने बुला लिया था, और अब बताया जा रहा है कि जब कल रात को सहमति हुई है, सहमति पत्र पर जो परिजन है और सरकार के बीच में सहमति बनी है, तो सहमति पत्र में यह कहा गया है कि एनआईए से इस मामले की जांच करवाई जाएंगी। और एनआईए से जांच का मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरे देश भर में अपनी गैंग के माध्यम से अपराध फैला रखा है, आतंक मचा रखा है, और इस तरह जो समाज के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसको देखते हुए राज्यपाल ने जो एनआईए से जांच के लिए मांग की, परिवार के लोगों ने राज्यपाल से मांगी, तो राज्यपाल ने एनआईए को भी इस बारे में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस बारे में कहीं ना कहीं मुबारक। यहाँ पर जो नई सरकार राजस्थान में अब बनने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आया कि कौन होगा, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं बदमाशों की ओर से ये चुनौती देने की कोशिश कि बदमाशों के हौसले बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद ही रहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, करीब 4 से 6 गार्ड अपने साथ रखते थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते जो गार्ड हैं उनके जो हथियार थे वो जो पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि लाइसेंस जो हथियार है वो जमा करा दिए जाते हैं थानों में, तो ऐसे में इनके पास 2 ही गार्ड थे जिनके पास हथियार होंगे, और बाकी जो गार्ड थे वो छुट्टी पर चल रहे थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाकर ये अपराधी जो है वहां तक पहुंचते और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते। तो पार्थिव जब पहुंचेगा उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। कुलदीप और मुबारक, आप लगातार बने रहिएगा, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।